केंद्र सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भोपाल में प्रेस वार्ता को किया संबोधित। कहा, बीते 4 साल में नक्सलियों का प्रभाव हुआ कम, आतंकी घटनाओं पर लगी लगाम। सरकार के 4 साल का ब्यौरा पेश करने के लिए केंद्रीय रेल एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे इंदौर। इंदौर को लगातार दूसरी बार सबसे स्वच्छ शहर बनने की दी बधाई। कहा, देश में आर्थिक व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और गांव, गरीब, किसान और शोषित वर्ग के जीवन में आया बदलाव। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इंदौर में भाजपा के आर्थिक प्रकोष्ठ सम्मेलन को किया संबोधित। 7% GDP को बताया मजबूत अर्थव्यवस्था का प्रतीक। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का 4 साल का कार्यकाल बेताल। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भोपाल में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थान का किया उद्घाटन। सीएम शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के महानिदेशक डॉक्टर एपी महेश्वरी भी हुए शामिल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतना में जनकल्याण योजना के हितग्राहियों और तेंदुपत्ता संग्राहकों के सम्मेलन को किया संबोधित। 76 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का किया लोकार्पण। राज्य शासन ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिकाओं के मानदेय में 1 जून 2018 से की वृद्धि। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं को 5,000 रुपये प्रतिमाह की दर से मिलेगा वेतन। उप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन भी 5,750 रुपये हुआ। प्रदेश में पहुंचविहीन शासकीय राशन दुकानों पर अगले 3 महीनों का राशन आगामी 5 जून तक पहुँचाने के शासन ने दिए निर्देश। बारिश के दौरान राशन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को जारी किया आदेश। प्रदेश में चना, मसूर और सरसों के सुरक्षित भंडारण को लेकर मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टर्स के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंस। कहा, अगले 3 दिनों में होने वाली खरीदी और संबंधित मंडी के लाइसेंसधारी व्यापारी के स्टॉक की गोदामों की हो जांच। भोपाल के जवाहर चौक में साई मंदिर का हुआ नवीनीकरण। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान पेश किए गए भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम। आयोजक समिति ने श्रद्धालु पौधे रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रदेश के साथ ही कर्नाटक में शुरू हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। दक्षिण से आ रहे मानसूनी हवाओं के मध्यप्रदेश में 10 जून तक सक्रिय होने के आसार। कई जगह प्री मानसूनी बारिश की जताई जा रही है संभावना। लोकसभा की 4 सीटों और विधानसभा की 10 सीटों के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे रहे मिले जुले। लोकसभा की 2 सीटों पर NDA और 2 सीटों पर UPA ने किया कब्जा। यूपी की कैराना लोकसभा सीट पर RLD ने किया कब्जा। पेट्रोलियम पदार्थों में हो रही मूल्य वृद्धि के बाद शुक्रवार को गोदामों में आई मामूली कमी। दामों में पेट्रोल के लगातार बढ़ते दामों पर सरकार ने रखा अपना पक्ष। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, तेल के दाम सरकार नहीं बाजार और कंपनियों से होते हैं तय, पिछले साल से ही लागू है व्यवस्था। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए लाए गए कड़े कदमों का दिखने लगा असर। पिछले वित्तीय वर्ष की आखिरी तिमाही के GDP आंकड़ों ने मजबूत अर्थव्यवस्था की दिखाई झलक। विकास दर 7.7% रहने से भारतीय अर्थव्यवस्था बनी दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था। स्कूली शिक्षा विभाग ने कहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी योजना में नहीं हुआ है कोई परिवर्तन। 9 जून को होगा लैपटॉप वितरण लाल परेड मैदान पर। कार्यक्रम में 12वीं कक्षा के 85% अंक पाने वाले छात्रों को लैपटॉप खरीदने दी जाएगी राशि। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर के गढ़ाकोटा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव के दिवंगत पिता को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। स्वर्गीय शंकर लाल भार्गव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से की प्रार्थना।